बहनों और भाइयों, मैं अभी जम्मू कश्मीर के उधमपुर से आ रहा हूं। आप अनुमान करिए, जैसी सभा यहां पर हो रही है, इतनी ही निश्चिंतता में वहां पर भी मैंने सभा की है। क्या 10 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की सभा संभव थी? क्या नहीं थी ना? लेकिन आज जम्मू कश्मीर में शानदार सभा हो रही है, लोग लोकतंत्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी वैसे विकास के कार्य हो रहे हैं जैसे आपके मेरठ में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं। ऐसे ही विकास के कार्य वहां पर भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, यह जो परिवर्तन हम सबको देखने को मिल रहा है, कभी भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हुए थे इस दोहरी व्यवस्था के खिलाफ, और 70 वर्षों तक कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इस व्यवस्था को दफन करके इस व्यवस्था को बनाए रखा। आतंकवाद पनपता रहा, देश को डंक मारता रहा, निर्दोष लोग मरते रहे, देश का विकास बाधित होता रहा। लेकिन बहनों और भाइयों, 70 वर्ष के बाद भारत माता के महान सपूत श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा यशस्वी व्यक्तित्व देश के पास आया, जिन्होंने कश्मीर के इस दंश को समाप्त करते हुए धारा 370 समाप्त किया। और जो भाजपा के कार्यकर्ता दशकों से नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। बहनों और भाइयों, आज उस कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बना करके मोदी जी ने साबित कर दिया है कि हमारे लिए राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है। बहनों और भाइयों, यही स्थिति आज 140 करोड़ का भारतीय दुनिया के अंदर जहां कहीं जाता है, तो 140 करोड़ भारतीयों को वहां सम्मान मिलता है। लोगों के मन में भारत के प्रति सम्मान का भाव पैदा हुआ है, ये भी मोदी जी के कारण। बहनों और भाइयों, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज आप देखते होंगे, अगर कहीं कोई सिलेंडर किसी दुर्घटना से फट जाए ना, तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं नहीं, हमारा योग, हमारा कोई हाथ नहीं है इसमें, क्योंकि उसे मालूम है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं किसी आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तान परस्त तत्व का हाथ हो और फिर एयर स्ट्राइक में देने के लेने पड़ जाए पाकिस्तान को। बहनों और भाइयों, ये सारे और पराक्रम भारत का जो देखने को मिल रहा है, ये मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार के कारण। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य हुआ, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, आईआईटी, आईएम, मेडिकल कॉलेज, और मेरठ को तो कहना ही क्या है, 12 लेन का एक्सप्रेसवे के साथ मेरठ दिल्ली के साथ सीधे जुड़ चुका है। मेरठ के लोग अब दिल्ली में नहीं रहना चाहते, बल्कि दिल्ली के लोग अपने लिए रहने के लिए मेरठ में आवास बनाना चाहते हैं, सरधना में और मुजफ्फरनगर में रहना चाहते हैं, क्योंकि जो दूरी पहले 5 घंटे में तय होती थी, अब उस दूरी को मात्र 45 मिनट से 1 घंटे में तय कर देते हैं। रैपिड रेल, 32,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र और राज्य सरकार लगा करके रैपिड रेल की सुविधा के साथ मेरठ को जोड़ चुकी है।
और बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर इसी विधानसभा क्षेत्र में, मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में बन रही है। 700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा विश्वविद्यालय, जो भी उसका मानक होगा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा, कोई समझौता नहीं होगा, और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी आपको हम लोग यहां प्रदान करने जा रहे हैं। मेरठ में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम को हम लोगों ने प्रमोट किया है। आज मेरठ की आइटम खेल की सामग्री दुनिया के अंदर बिक रही है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे ये कहने के लिए आया हूं, एक तरफ विकास और दूसरी तरफ लोक कल्याण और गरीब कल्याण के कार्य, हर घर नल की योजना हो, हर घर बिजली का कार्य हो, एक तरफ भारत 4 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सौगात दे रहा है और दूसरी तरफ भिखमंगा पाकिस्तान कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। ये परिवर्तन है, अच्छा नेतृत्व आता है, देश को बुलंदियों की ऊंचाई तक पहुंचाता है। गलत लोग चुने जाते हैं, पाकिस्तान जैसी दलिद्रता आ जाती है, और पाकिस्तान में जो दलिद्रता है ये वहां के नेताओं के कर्मों के कारण है, और भारत में जो आज संपन्नता है यहां के यशस्वी नेतृत्व के कारण। मैं बहनों और भाइयों, आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं, ये जो परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो लोग गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने संगीत सोम और संजीव बालियान को जेल के अंदर डाल करके यहां की जनता को कर्फ्यू में झोंकने का काम किया था। और मैं आज आपसे ये कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव हमारा व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन विचारधारा और राष्ट्र धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। जहां पे राष्ट्र धर्म को चुनने की आवश्यकता पड़ेगी, हम सब कुछ छोड़कर के राष्ट्र धर्म को चुनेंगे और राष्ट्र धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर देंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, हमें वह सरकार चाहिए जो कांवड़ यात्रा चला सके। कर्फ्यू लगाने वाली सरकार नहीं चाहिए, कर्फ्यू लगाने वाले लोग नहीं चाहिए। हम लोग इस बात को ध्यान में दें, जो लोग कर्फ्यू के पक्षधर रहे हैं, दंगा पॉलिसी जिनकी इस पूरे क्षेत्र में, यहां के निर्दोष नागरिकों पर झूठे मुकदमे दर्ज करके यहां के नौजवानों के जीवन को जिन लोगों ने निगलने का काम किया था, उन लोगों को कभी माफ करने की आवश्यकता नहीं। जो ये लोग आए होंगे तमाम प्रकार की बातें कहने के लिए आए होंगे। बहनों और भाइयों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, आपने महाराणा प्रताप का जीवन देखा होगा। महाराणा प्रताप, जब महाराणा प्रताप की बात होती है तो भारत के स्वाभिमान की बात होती है, भारत के सम्मान की बात होती है, स्वधर्म और स्वराष्ट्र के लिए कैसा बलिदान चाहिए। सत्ता नहीं, घास की रोटी खाएंगे, लेकिन विदेशी हुकूमत के सामने कभी सिर नहीं झुकाएंगे। बहनों और भाइयों, जिन लोगों ने कर्फ्यू करके इस क्षेत्र में बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम करने का काम किया था, जो लोग यहां की बेटी और व्यापारी के जीवन के लिए खतरा बन चुके थे, उन लोगों को फिर से पनपने का अवसर मत दीजिए। वे लोग आएंगे, दुम दबा करके आएंगे, बाद में गिरेबान को पकड़ करके इस पूरे क्षेत्र में फिर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का कार्य करेंगे। इसलिए मैं आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, विकास में कोई कोताही नहीं बरती गई, किसी भी प्रकार की कोई कोताही केंद्र और राज्य शासन ने नहीं बरतने दी, सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया,
बेटी और व्यापारी को सुरक्षा का माहौल दिया। और बहनों और भाइयों, हमें व्यक्तिगत मतभेदों को दरकिनार करते हुए देश के बारे में सोचना है। देश और राष्ट्र धर्म से बढ़कर के हमारे लिए कोई कुछ नहीं हो सकता है। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं यहां पर सरधना की भूमि पर आया हूं। ये वीरों की भूमि है और वीरता कभी कायरता नहीं दिखाती है, शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाती है। वीरता तो अवसर आने पर राष्ट्र धर्म के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। और उसी वीरता का आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए यह देश पूरे देश के अंदर एक आवाज है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, एक ही आवाज है पूरे देश के अंदर। मुझे 3 दिन पहले महाराष्ट्र जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, उससे 1 दिन पहले मैं राजस्थान गया था, अभी जम्मू कश्मीर से आ रहा हूं और केवल यहां की सभा के लिए आया हूं, अन्यथा मेरे और भी कार्यक्रम थे। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा सरधना में, मैं इस बार जरूर जाऊंगा, 24 में मैं जरूर जाऊंगा। और बहनों भाइयों, मैं इसीलिए आया हूं आपसे कहने के लिए, जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनके गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं, ये लोग कभी नहीं आएंगे। फिर जाति के सौदागर उपयोग करेंगे, बाद में सौदेबाजी करके गायब हो जाएंगे। हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है जिससे हमारा राष्ट्र धर्म खतरे में आए। याद रखना, इस देश के राष्ट्र धर्म को हमेशा खतरा जब भी आया है इन्हीं लोगों के कारण आया है, जिन्होंने जातीयता के आधार पर समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, हमेशा छिन्न भिन्न किया है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माई के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है, आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था, बहनों और भाइयों, जब आज समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, देखो जिनकी गर्मी हम शांत कर चुके हैं उनको गर्म मत होने दीजिए। अब इस क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा के साथ जुड़ने दो, उनकी सबकी गर्मी शांत हो गई है, वे गए काम से। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि पूरे देश की एक आवाज है, पूरा देश एक ही स्वर में बोल रहा है। और वह बोल रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार। थोड़ा जोर से बोलिए, यहां की आवाज दिल्ली तक पहुंचाइए, फिर एक बार मोदी सरकार। यह मोदी सरकार की जो गूंज पूरे देश के अंदर है, इस पूरी गूंज को घर घर पहुंचाना है, मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके और स्वयं मेरा प्रतिनिधि बन करके आपको जाना होगा। सहमत है? हमें कमल चुनाव चिन्ह देखना है,
हमें कमल चुनाव चिन्ह देखना है। आप सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? बहनों और भाइयों, सरधना विगत चुनाव में संजीव बालियान जितने वोट से जीते थे उसके दुगने वोट से जिताने की जिम्मेदारी सरधना को मैं दे रहा हूं। और बहनों और भाइयों, आप जिताएंगे तो मैं दोबारा फिर आऊंगा, यहां पर आऊंगा, फिर दोबारा आकर के आपके साथ बैठूंगा और बैठ करके फिर आपसे चर्चा करूंगा। और इसीलिए आपसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। ये जिम्मेदारी आपकी है। मोदी जी को तीसरा कार्यकाल मिलना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत ग्लोबल पावर बनेगा, दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा। ग्लोबल पावर बनने के लिए विकसित भारत चाहिए, और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश चाहिए, और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित मुजफ्फरनगर और विकसित मेरठ भी चाहिए। सहमत है ना? और विकसित मेरठ और मुजफ्फरनगर के लिए कमल चुनाव चिन्ह और भाजपा चाहिए। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो भाई मेरे साथ फिर दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जै जै श्री राम।